हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता और इसमें मटर डालेंगे, तो हम इसे बोलेंगे भरता मटर। हमने एक बैंगन लिया है जिसको हमने चारों साइड से घुमा घुमा के अच्छे से भून लिया है गैस पर, और इसको हम छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका उतारने के बाद हम इसे ना कट करके चेक करेंगे कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। वैसे तो हमने लेते टाइम भी चेक करा था कि इसमें मोरी ना हो, इसमें कीड़ा ना हो, और अगर बाय चांस किसी के उसमें ऐसा भुनने के बाद कीड़ा निकले तो प्लीज़ उसे फेंक दीजिएगा, उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अब हम इसे चेक कर रहे हैं कटिंग कर करके कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद हम इसे एक बाउल में लेंगे। बाउल में लेने के बाद हम एक गिलास की मदद से इसको बीट कर लेंगे। जो बैंगन का भरता है वो बीट होने के बाद ही बनता है, तभी उसे भरता बोला जाता है, क्योंकि हम उसे बहुत बीट करते हैं। आप चाहें तो उसे बीटर से भी बीट कर सकते हैं, और अगर कीड़ा ना हो अच्छे से चेक करने के बाद आप इसे मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। समटाइम्स इसमें लच्छे से निकलते हैं, उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है। उसको रिमूव करेंगे तो आपका बैंगन का भरता खाने में ज़्यादा यम्मी बनेगा। देखिए ऐसे लच्छे से रहते हैं, इनको रिमूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी कर पाएंगे तो इट्स ओके, इट्स ईटेबल, आप इसे खा भी सकते हैं। अब मैंने चॉप कर लिया है दो प्याज, चार बड़ी हरी मिर्च, चार स्लाइस ऑफ गार्लिक। मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा लिया है। अब इसमें जो मैं तड़का मारूंगी, जीरा, हींग, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, आप जो चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा ही तड़का लगाया है जीरे, हींग, लौंग और साबुत मिर्ची का, और जो मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च चॉप करी थी वो मैं इसमें पलट दूंगी। इसको ब्राउन होने तक हम इसे पकने देंगे। एंड आफ्टर दैट मैंने तीन बड़ी प्याज ली है, चार स्लाइसेस गार्लिक के लिए, चार बड़ी हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है, और ये अच्छे से जब ये लाल हो जाएगा, जैसे मर्जी बना लीजिए, वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, बहुत यम्मी बनता है। इसमें टमाटर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिश, और ये हम जो मैं ब्रेड के साथ खाना बहुत पसंद करती हूँ, ब्रेड टोस्ट में, शायद मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की है, नहीं की होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ब्रेड ट्विस्टिंग में बैंगन भरता बहुत यम्मी बनता है, आपके घर में भी शायद किसी ना किसी को ज़रूर पसंद होगा ब्रेड के साथ ट्विस्ट करना। आई रियली लव इट, बैंगन का भरता इन ब्रेड, एंड देन उसको टोस्ट करेंगे तो उसका तो फ्लेवर ही बिल्कुल गजब का हो जाता है। टमाटर थोड़े से पकना शुरू हो गया है, अब इसमें हम लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर, नमक, हल्दी, हल्दी की मात्रा मेरे खाने में थोड़ी सी कमी रहती है ऑलवेज, मुझे थोड़ा सा हल्दी कम पसंद है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड योर फ्लेवर। वैसे तो हेल्थी होती है हल्दी खाने के लिए, बॉडी को रिकवर भी करती है, बट एज यूजल मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है, इसलिए मेरी मैक्सिमम सब्जियों में हल्दी की मात्रा कम से कम होती है, और कईयों में तो होती भी नहीं है। आप इसे चाहें तो फ्लेवर में, आप फ्लेवर देने के लिए आप इसमें किचन किंग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसमें किचन किंग और थोड़ा सा कोरमा मसाला यूज़ करा, क्योंकि मुझे कोरमा मसाला का फ्लेवर बहुत ही यम्मी लगता है। और देन अब इसमें हम मटर डाल देंगे, मैंने पहले से छिल के वॉश करके रखे हैं। आप कभी ट्राई कीजिएगा, खाली भरता भी बहुत अच्छा बनता है, और आपके पास मटर हो तो आप भरता मटर भी बना सकते हैं। देख लीजिए मेरा ये बैंगन फेंट के रेडी हो गया है, मैंने इसे बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब देन मैं इसे कढ़ाई में पलट दूंगी मटर के साथ, मटर भी मेरा ऑलमोस्ट पक गया है, बैंगन भी मेरा बीट हो गया है। इसको पकने के बाद हम इसमें पलट देंगे, देन अब हम इसे सिम आँच पे पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। जब भी पक, इसको ऑयल रिलीज होने देंगे, अभी इसे फेंटेंगे थोड़ा सा और अच्छे से, सब्जी मतलब जो हमारा पेस्ट है उसमें अच्छे से सॉटे कर लेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो किस किस को अच्छी लगी, एंड किस किस के बच्चे भरता मटर या बैंगन खाना पसंद नहीं करते। इस तरीके से बनाइएगा, देखिएगा आपके बच्चों की भी फेवरेट डिश हो जाएगी ये, जैसे कि मेरी है। एंड देखिए मेरा बैंगन का भरता ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैंने इस पर धनिया डाल दिया है, अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए बैंगन में साइड में देखिए ऑयल रिलीज हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।